उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। ये उनके राजनीतिक इतिहास में भी पहला मौका है जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज वोट युद्ध मैनपुरी में, जहां से अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज मैनपुरी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक ऐसी जगह, एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां पर हर किसी की नजर है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का यह गढ़ कहा जाता है, मैनपुरी, इटावा, एटा, औरैया, कन्नौज तक, यह ऐसी बेल्ट है जहां पर समाजवादी पार्टी अरसे से अपनी थाती आगे बढ़ाती आई है। नेताजी के दौर से अखिलेश यादव के दौर तक इन सभी क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, गढ़ रहा है। हम आज इसी धरती से नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैनपुरी की जनता क्या सोच रही है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, हम एक एक कर उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अरविंद तिवारी जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ संजय चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। किशन दुबे जी हैं, प्रसपा का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ शुभम यदुवंशी जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैनपुरी की धरती की खासियत यह है कि वैसे तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग विधानसभाओं से इसने दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी मौका दिया है, लेकिन फिर भी यह गढ़ समाजवादी पार्टी का है। चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो किसी डिफेंडिंग चैंपियन की तरह इस चुनाव में खेल रही है, तो लिहाजा इस चर्चा की आज की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से, जो मैनपुरी में क्या करिश्मा इस बार कर पाएगी, किस तरह से लोगों के बीच अपनी बात को रख पाएगी, उसको देखना है। साथ ही ये भी हम देखेंगे कि सपा और प्रसपा कितने संयम के साथ अपने विरोधियों की बात को हजम करते हैं और फिर अपनी बारी पर उनका जवाब देते हैं। बताइए संजय जी कि बीजेपी को मैनपुरी में जनता मौका क्यों दे। सबसे त्रिवेदी जी, आप बार बार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का गढ़ था। आज जिला पंचायत से लेकर नगर पालिका तक, नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत तक, ब्लॉक प्रमुख 8 में से 9 में से 7 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी में है, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, नगर पालिका मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी में है, यहाँ कोलावली, घिरोर, बेवर, किसनी, मतलब जितने भी हैं एक को छोड़ के सारे भारतीय जनता पार्टी हैं। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं गढ़ था कभी, आज गढ़ ध्वस्त हो चुका है। रही बात मैनपुरी में क्यों दे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि क्यों अखिलेश जी को एक सुरक्षित सीट, सैफई से लगी हुई सीट को चुनना पड़ा। ये मैनपुरी की भारतीय जनता पार्टी का ही डर था कि सपा के मुखिया को मैनपुरी आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर काम करती है, और मैनपुरी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो गुंडा राज का खात्मा हुआ और जो विकास हुआ पूरे प्रदेश में हुआ, किसी एक जिले में या एक शहर में नहीं हुआ। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब ये समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है, या अगर रहा है तो क्यों रहा है, ये चर्चा में आगे बातें खुलेंगी। चूंकि वेटेज समाजवादी पार्टी का है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के पास बाद में चलूंगा। उससे पहले कांग्रेस, मैं आपसे समझना चाहूंगा अरविंद जी, कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उसने प्रचार ठीक ठाक किया है, थोड़ी हवा बनाई है, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं करके प्रियंका गांधी ने। मैनपुरी में आपको क्या लग रहा है कि जब आप वोटिंग शुरू होगी तो कहां पर आपका स्थान होगा, किस तरीके से आपको जनता अपनी नजर में लाएगी और क्यों लाएगी? देखिए, ऐसा है शेखर भाई कि बात आपकी ठीक है, कांग्रेस काफी समय से नहीं है और मैनपुरी नहीं, उत्तर प्रदेश में पिछले 32 सालों से सत्ता में नहीं है। ये जनतंत्र है, यहाँ की जनता जिसको चाहेगी उसको सत्ता में बैठाती है
और रही बात मैनपुरी की, आपके ही नारे के हिसाब से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया था उसको देखते हुए और जो एक आश्वासन दिया था, प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने कि बाकी सारे चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद पूरी करते हैं, तो हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने उस प्रतिज्ञा को, एक को जो चुनाव से पहले पूरी की जा सकती थी वो पूरी की कर रहे हैं कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे। तो मैनपुरी में भी हमारी 3 टिकट जो घोषित हुई हैं, अभी मैं सबको बता दूं, हमारी किशनी विधानसभा से भी टिकट घोषित हो चुकी है प्रोफेसर विजय नारायण जी की, तो 3 में से 2 टिकट महिला प्रत्याशियों को दी गई है। तो उस चीज को, उस वादे को हम चुनाव से पहले पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। और रही बात आगे के विकास की, मैनपुरी विधानसभा की मैं बात करता हूं, मैनपुरी विधानसभा में भी हमने कई अपने वादे किए हुए हैं। उसमें पहला ये है कि जो कैंसर यूनिट अभी तक स्थगित चल रही है, बहुत समय से बनी थी और कारगर नहीं हो पा रही है, तो हम उसको कारगर करेंगे, उस पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति का भी प्रावधान करेंगे। हर न्याय पंचायत स्तर पर एक उप चिकित्सालय जो कि पूर्ण रूपेण उपकरणों से युक्त होगा और चिकित्सकों की भी वहां पर नियुक्ति होगी, उनकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ हम महिला महाविद्यालयों के आसपास महिला थानों की स्थापना करवाएंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। ये सारे हमारे हैं वादे हैं, इनको देखते हुए ठीक है। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से अपनी बात रखने की पुरजोर कोशिश की है और वो मादा दिखाने की कोशिश की है कि नहीं, ठीक है, आज हम सत्ता में नहीं है, हमारी जमीन खिसकी हुई है, लेकिन हम उस जमीन को वापस पाने के लिए भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और अब बारी उस पार्टी की जिसको लगातार ये कहा जा रहा है, मैं भी कह रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अब ये गढ़ नहीं रहा आपका, तो आप उनका गढ़ क्यों नहीं रहा आपका, इसका जवाब देने से अच्छा है कि आप ये बताइए कि अगर ये आपका गढ़ है तो क्यों है। और एक बार फिर जो करहल विधानसभा को चुना, 3 और भी हैं विधानसभा इस क्षेत्र में, बाकी 3 क्यों नहीं? ठीक है, अखिलेश जी ने जो चुना। त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ब्लॉक प्रमुख जबरदस्ती बना लेने से, जिला पंचायत अध्यक्ष में हमारे एक प्रत्याशी को वोट ना करने देने से क्या हुआ। जिला पंचायत के चुनाव में लोगों ने महाभारत की जो चीज़ थी वो सामने देखी कि महिलाओं को अच्छी हड़ड़ हो रहा है। इस तरीके से इन्होंने जो पुलिस के दम पे और जो अपनी सत्ता के दम पे 2-4 अपने बना लिए हैं ब्लॉक प्रमुख, इनसे कहीं गढ़ नहीं हो जाता। आज की डेट में भी 4 में से 3 विधानसभा जिले की और लोकसभा की 5 में से 4 विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास हैं, और आगे जो विधानसभा चुनाव जो 2022 का आ रहा है, 5-0 से हम इनकी सीरीज साफ करेंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ, जनता के सामने बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गढ़ क्यों है। ये कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया, सिर्फ सड़कें बनवाई हैं। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, 5 साल में इन्होंने कौन सी सड़क बनवा दी? दूसरी बात, आप जिस रोड से आए हैं सभी समाजवादियों की देन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक, इनके एक मंत्री जी बोले थे गढ़ गड्ढा बन चुका है, ये सत्ता के दम पे कोई गढ़ गड्ढा नहीं होता। आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाके देखिए, समाजवादी पार्टी ने दिया, सैनिक स्कूल मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने दिया, शौसैया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय बना खड़ा हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने दिया। मैनपुरी में जो भी एक ईंट इन्होंने कहीं लगाने का काम किया हो तो मैं बता दूं। दूसरी चीज, हमारी सभी सड़कों को माननीय अखिलेश जी की सरकार में बढ़िया हैविल्स की लाइटों से सजाया गया था। चेयरमैन बदलता है, वो लाइटें खुलवा ली जाती हैं, उनका कंडेंसर नहीं चेंज किया जाता है, नकली चाइना की लाइटें लगवा दी जाती हैं। आप पूछिए वो लाइटें सही क्यों नहीं हुई, कोई एक विकास कार्य इनसे गिनवाने के लिए पूछ लीजिए क्या है। रही बात अखिलेश यादव जी की करहल से चुनने की, हमारी पार्टी के एक डेलीगेशन आजमगढ़ से भी प्रस्ताव था कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए, करहल से भी था, मैनपुरी से भी था, तो करहल से जो सिटिंग MLA हैं और भी हमारे नेता गए, उनका प्रस्ताव स्वीकार हुआ। चलिए अखिलेश जी ने तो करहल सीट चुन ली, सुरक्षित सीट है, बाबाजी मठ में क्यों गए, गोरखपुर क्यों गए, पहले तो मथुरा की हवा बनाई कि शायद बांके, अब की बार बांके बिहारी, अरे हमारे तो हर बार बांके बिहारी हैं, हमारे कुल भगवान हैं। मथुरा जब देख लिया कि नहीं माहौल ठीक नहीं है तो अयोध्या में चले गए कि अयोध्या 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 चिल्लाने लगे उनके भक्तगढ़, अयोध्या में भी दाल नहीं गली तो मठ में पहुंच गए। और मैं आपसे कह रहा हूं जितना सुरक्षित वो मठ गोरखपुर समझ रहे हैं वो देखिएगा, आप उनको लेने के देने पड़ जाएंगे चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात पुख्ता तरीके से रखी गई है कि अगर अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो गोरखपुर चले गए हैं, उनको बीजेपी ने पहले ही भेज दिया, एक IP सिंह है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने टिकट करा दिया था एयर इंडिया का, तो इस तरीके की जो चूहलबाजी, राजनीतिक चूहलबाजी कही है इसको, ये जो शुरू हुई वो आकर के करहल और गोरखपुर के बीच में कहीं टिकती है। अब ये एक दिलचस्प चीज है कि अखिलेश यादव अपने गढ़ में है और
मुख्यमंत्री अपने गढ़ में है, अपने किले में है, तो ये किले की लड़ाई है। अब इस किले में दिलचस्प चीज ये है कि जो सेनापति हैं, असली जो थाती है समाजवादी पार्टी की, वो नेताजी रहे हैं, इससे किसी को कोई दो राय नहीं होगी, मुलायम सिंह यादव जी, और जो उनके सेनापति रहे हैं, जिन्होंने आजीवन उनकी पूरी व्यूह रचना का अंजाम देने का काम किया है, वो है शिवपाल यादव। शिवपाल यादव एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने, मुलायम सिंह यादव ने अगर सांस भी ली तो उसका मैनेजमेंट भी उनके पास है कि किस तरीके से नेताजी कहां किस तरीके से आएंगे जाएंगे, कितना चलना है कितना नहीं चलना है, कदमों का हिसाब भी शिवपाल यादव ने रखा है। इस तरीके के जो राजनेता हैं वो भी कम देखने को मिलते हैं, ये जोड़ियां बहुत कम रह जाती हैं। सचिन और सहवाग की जोड़ी क्रिकेट की पिच पे भले दिखे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा किशन जी कि ये जोड़ी हमने देखा कि जब तक नेताजी रहे तब तक तो बात ठीक थी, जब अखिलेश आए 2012 में, हालांकि शिवपाल जी ये कह भी चुके हैं कि जब मैं उनकी सरकार में मंत्री बना तो एक तरीके से नेता मैंने अखिलेश को मान लिया, कुछ मनमुटाव था, चुनाव से पहले वो दूर हो गया। अब सवाल इस बात का है, लोगों के जहन में ये सवाल है कि अगर परिवार एक है, शिवपाल जी ने अपनी बात को कह दिया है, तो आप जो प्रसपा के लोग हैं वो किस तरीके से इस बात को समझ पाए हैं, क्योंकि प्रसपा अभी भी है, विलय नहीं हुआ है, आपकी पार्टी अभी भी जिंदा है, और समाजवादी पार्टी के टिकट पर एकमात्र शिवपाल जी चुनाव मैदान में है जसवंत नगर से। देखिए, सबसे पहले तो त्रिवेदी जी, मैं मैनपुरी की क्रांतिकारी भूमि पर आपका स्वागत करता हूं, महाराजा तेज सिंह की इस भूमि पर और भगवान ऋषि मयन ऋषि की इस भूमि पर आपका स्वागत करता हूं, और इसके अलावा इस जनपद का एक और परिचय है, माननीय नेताजी की कर्म भूमि पर आपका स्वागत करता हूं। इन तीन परिचय से ही मैनपुरी जनपद को जाना जाता है, मैनपुरी में नहीं, दिल्ली में, बॉम्बे में, पूरे देश में या देश के बाहर, हमारी मातृभूमि के ये तीन ही परिचय हैं, और मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस जन्मभूमि का रहने वाला हूं। आप आता हूं आपके प्रश्न पर। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको आपकी भूमिका के लिए धन्यवाद दूंगा, जहां प्रेस पे कभी कभी पक्षपात के सवाल भी उठते हैं, आपने दिल से ये स्वीकार किया कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में माननीय नेताजी के बाद पार्टी को सींचने और संवारने का काम अगर किसी नेता ने किया तो निश्चित रूप से शिवपाल सिंह यादव जी ने किया। नया युग है, नई सपा है, नया नेतृत्व है, अखिलेश यादव जी हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, पूरी ताकत से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से अब किसी प्रकार का प्रश्न इसलिए नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, मुझे ये शिकायत रहती है, मेरे बहुत से युवा साथी मुझसे, बहुत हजारों साथी जुड़े हैं, मैं आज उन्हें आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये संभावना तलाश करते हैं कि चाचा और भतीजे के बीच कोई संभावना मिल जाए और हम ये कह सकें कि भतीजा चाचा को तवज्जो नहीं दे रहा, चाचा भतीजे को तवज्जो नहीं दे रहा, तो मैं उन्हें एक फ्री की राय देता हूं, अधिवक्ता भी हूं, कि हमारे ऊपर ऊर्जा न लगाने की जगह आप ये कोशिश करें कि किस तरह आप अपनी पार्टी को सत्ता में लाएं। देखिए, ये ओपनिंग कमेंट हुए, हमारे सभी मेहमानों ने अपना अपना पक्ष रखा है। आप बताइए संजय जी कि ये 5 साल से आपकी भी सरकार है, इसलिए आप बच नहीं सकते इस बात से कि जो कुछ उन्होंने कहा एक ईंट भी नहीं लगाई, बहुत सारा काम कराया, मैं उनके पास जाऊंगा तो पूछूंगा कि उन्होंने क्या कराया, क्यों छोड़ा, क्या छोड़ा, लेकिन अभी आप बताइए कि पिछले 5 साल में इस मैनपुरी जनपद की 5-4 विधानसभाओं में आप किन चीजों का उल्लेख करेंगे जनता के सामने जो आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा कराया गया, विकास के काम बताइए। बिल्कुल, विकास का मतलब केवल स्कूल बनाना या सड़क बनानी, विकास केवल विकास नहीं होता है। खासकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश का विकास लेके चलती है, अगर वो लाइट दे रही है तो केवल 3 जिलों में नहीं दे रही है, वो पूरे प्रदेश में दे रही है। अभी आपने उल्लेख किया कि करहल विधानसभा में कितने स्कूल बताए आपने, मेरे ख्याल से 30-32 स्कूल, 30-32 स्कूलों में से हमारे ख्याल से शायद 1 या 2 CBSE स्कूल नए हुए हैं। ये 30-32 स्कूल वो ही हैं जिनमें केवल जो है ना नकल का धंधा चलता था। आज योगी सरकार में पिछले 5 सालों में उन स्कूलों में भी परीक्षाएं बिल्कुल CBSE की तरह होने लगी हैं। ये समाजवाद, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पूरे प्रदेश में पहले साल हुई है, दूसरे साल से कैमरा बंद हो गया था, नहीं नहीं, अगर आप, हम क्या कर रहे हैं, अगर आप ऐसा है ना तो आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, मैं इसीलिए बता रहा हूं। सिंपल सी बात है, मैं फिर बता रहा हूँ, केवल करहल नहीं, केवल करहल नहीं बल्कि पूरे मैनपुरी विधानसभा में
और रही बात इसकी, एक काम इन्होंने बताया कि नकल नहीं हुई, जो बच्चे पास हुए वो मेहनत से पास हुए, ठीक है, आएंगे आएंगे। आप समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के ये कह रहे हैं, पांच काम। दूसरी बात है अपराध मुक्त। हाँ, इसी मैनपुरी में माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, चैन स्नैचिंग चलती थी, आज अपराधी गायब हो चुका है, उसके अंदर खौफ है, या तो वो जेल के अंदर है या उसका राम नाम सत्य हो गया है, उसका उस कानून व्यवस्था की बात रही। शिक्षा की बात, शिक्षा हो गया, शिक्षा आपने बता दी, शिक्षा की स्वास्थ्य की बात आई यहाँ पर कोरोना काल में, फिर आप यार, फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए ये आपसे पूछा जाए, पहले चचा के बारे में बता दो, एक सीट मिली है वो भी सपा के, एक सीट मिली है उसमें भी भतीजे की मेहरबानी, ठीक है, चचा की बच्ची भतीजे की मेहरबानी से, भतीजे की मेहरबानी से हुआ और कुछ नहीं हुआ, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, शोर मचाने से नहीं होगा कुछ, शोर मचाने से काम नहीं होगा, पता क्या, हम आराम से बात रखेंगे ऐसे ही। अगर ये हाल रहा, जो किशन दुबे की आदत है ये बीच में टपकने की, अरे आप अगर अपने बोल रहे हो, सुनिए, मेरे पास प्रदेश की, प्रदेश भर की, मुझे हमारे योगी जी को चिंता है, हाँ स्वास्थ्य में, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्लांट मैनपुरी में लगाया गया, रही बात यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर भोगांव विधानसभा में, और भोगांव विधानसभा में जो सड़कों का जाल बिछाया गया, देखिए विधायक यहाँ पर केवल भोगांव विधानसभा से हमारा जीता, यहाँ पर मैनपुरी किसनी और करहल सांसद जी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो निधि आती है या जो भी विकास की बात आती है, आप ये कह देंगे एक ईंट नहीं लगाई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप का प्लांट हो गया सर, और बताइए, और पांच साल नहीं, पांच साल में मैंने क्या कहा आपसे, वहाँ पर जो यहाँ पर उद्योग की बात करते हैं, हाँ। उद्योग कितने कारखाने लगे, कारखाने यहाँ मूंगफली के, हमारे ख्याल से आज की डेट में कम से 50 नए, मतलब जो कारखाने नए लग चुके हैं 50 पांच साल में, ठीक है, और हाँ मैनपुरी में, और पांच बाकी और कोई चीज नहीं, देखिए शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे बड़ी बात होती है, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, ये जिक्र किया है, मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ विपक्ष से ही, क्योंकि प्रसपा और सपा तो जुगलबंदी है, अब कांग्रेस बताए कि क्या ये बात सही है कि कुछ चीजें मैनपुरी में नए सिरे से शुरू हुई हैं। देखिए एक चीज, इन्होंने स्वास्थ्य पर बात की है हमारे भाजपा के प्रतिनिधि जी ने, तो मैं इसमें कहना चाहूंगा, और उसमें जो अभी प्रसपा और सपा की तरफ से कहा गया था उसमें भी मेरा ये कहना है कि स्वास्थ्य में इन्होंने, सपा वालों ने 100 शैया का अस्पताल तो दे दिया, कैंसर की यूनिट तो लगा दी, लेकिन न तो 100 शैया अस्पताल में, मैं आपको जानकारी दूं, यहां बैठे सारे दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक महिला सर्जन मौजूद है 100 शैया अस्पताल में, जो वो भी संविदा पर है, परमानेंट नहीं है, तो यहाँ चिकित्सकों की सबसे बड़ी कमी, जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स तक की संख्या पूरी नहीं है, विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात छोड़ दीजिए, कोरोना काल में जो यहाँ के जनरल सर्जन हैं चिकित्सालय में, वो दिन में 24 घंटे में दो बार इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे। रही बात, हमारे भाजपा के साथी ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, बिल्कुल ठीक बात है, लगाया गया है, चालू की हालत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो काम कब हुआ, जब हमको कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, उससे पहले 4 साल में क्या किया सरकार ने यहाँ पर। एक चीज और आपसे चाहूंगा कि कानून व्यवस्था को लेकर के जो बात कही गई और शिक्षा को लेकर के, देखिए मैं उस पर भी बोलता हूँ, कानून व्यवस्था पर इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही हमारे भाजपा साथी ने कि यहाँ अब हमारे समय में, इससे पहले बहु बेटियां यानी मिनी महिला संवर्ग सुरक्षित नहीं था, तो एक तो मैनपुरी का कांड जो आज तक बहुत पॉपुलर चला आ रहा है 2019 से, अनुष्का कांड, 2.5 साल के बाद भी आज अभी वो निर्णय पर नहीं है, हालांकि वो कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में भी कब आ पाया है, जबकि उसके पीछे कांग्रेस ने ही पहल की थी, और नवंबर 2019 में हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी, तब तत्कालीन जिलाधिकारी और तत्कालीन यहाँ पुलिस सुपरिंटेंडेंट को इमीडिएट स्थानांतरित किया गया, 2 महीने उस सरकार ने क्या किया,
उसके बाद एसआईटी का गठन भी उन्हीं के पत्र पर हुआ, लेकिन आज तक भी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। वहां की प्रिंसिपल को अरेस्ट जरूर कर लिया गया है। ठीक है, मतलब घटनाएं आपके हिसाब से हो रही हैं, घटनाएं लगातार हो रही हैं। देखिए, ऐसे मैंने शुरुआत में आप सबसे निवेदन किया था कि हल्ला ना करें, मैं चीजों को आगे बढ़ने दें। मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, ये चूंकि आप लोग एक ही साथ हैं तो इधर से बात ले लेते हैं। शुभम जी, ठीक है, देखिए शुभम जी, छोड़ दीजिए, मैंने निवेदन किया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये धमका रहे हैं, बताइए कोई तरीका ही है, मैं आपसे समझना चाहूंगा, लाइव दिखाइए, आप इसको भी लाइव दिखाइए। संजय जी आप आइए, आप अपनी जगह पे आइए। संजय जी, तो ये एक दिलचस्प चीज है, ये एक दिलचस्प चीज है कि कार्यकर्ताओं को लेकर के आना चाहिए था। नहीं शुभम जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए चर्चा इसी वजह से डिरेल हो जाती है। जो बात आई है सामने कि जो अस्पतालों की बात हो या जो महिला सुरक्षा की बात है, चिकित्सा की बात है, ऐसा नहीं है कि 5 साल से ये सारी चीजों ही, इससे पहले नेताजी 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, उस दौर में भी क्षेत्र का विकास हो सकता था, लेकिन वो दौर क्यों निकल गया इसी तरह से? देखिए ऐसा है, जहाँ तक इन्होंने बेटियों की सुरक्षा की बात की, मैनपुरी में बहुत फेमस अनुष्का पांडे का जो बेचारी हमारी बहन, उसका जो मर्डर हो गया, नहीं मैं और बता रहा हूँ, हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है ये देखिए आप, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि जी के साथ क्या हुआ वो सबको पता है। अच्छा बात करते हैं कानून व्यवस्था की, तो महिलाओं के लिए 10-90 जो समाजवादी सरकार ने दिया उसका क्या हुआ, ठीक। दूसरा आप बात करें पुलिसिंग व्यवस्था की, तो डायल 100 के उन्होंने 112 कर दिया, आप उसके टायर नहीं बदला पाए। रही बात, वही बार बार बात उठ जाती है कि नहीं गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, क्या हुआ लखीमपुर में आप बताइए, अजय मिश्र टेनी आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं है आप बताइए, जब विपक्ष ने इतना मुद्दा उठाया तब जाके बोले नहीं वो शामिल नहीं थे, मतलब सरकार ने हर संभव कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन कहीं पर जब ये साबित नहीं हो पाया कि जब वो क्या नाम बच सकते हैं तब जाके उनकी गिरफ्तारी की। अब होटलों में टिफिन पहुंच रहे हैं, जेलों में टिफिन पहुंच रहे हैं, आप बताइए ये कौन सी कानून व्यवस्था है, ठीक है, किस प्रकार की कानून व्यवस्था? तो ये कानून व्यवस्था पर हमने समाजवादी पार्टी का पक्ष जानने की कोशिश की है। संजय जी बहुत देर से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं यहाँ पर उनके साथ लगे हुए थे, तो ये देखिए ये बीजेपी इस चुनाव का वक्त है, मैंने इसीलिए नहीं रोका कि ये काम तो करना पड़ेगा। सपा और प्रसपा साथ साथ आ गए हैं, अब वो अलग अलग तरीके से अगर बीजेपी का ध्यान भटकाते हैं, लड़ने में जाते हैं, तो ये बीजेपी को चिंता करनी है कि वो किस तरीके से इस गठबंधन का, इस विलय का अपनी तरह से मुकाबला करेगी। संजय जी देखिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा किशन जी, वैसे भी आप किशन हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत तो उत्पात आप करेंगे इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं एक चीज आपसे ये समझना चाहूंगा, किशन जो है न्याय के प्रतीक भी होते, न्याय के मैं वही आ रहा हूं, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो मैं पहले शिवपाल जी ने, मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, शिवपाल जी ने जब के जब स्वास्थ्य और जो मैं आप सवाल तो लेने दें, उसका जवाब देना, उसका जवाब मैंने उधर ले लिया, आप इधर टकराए हुए थे, उसका जवाब दे दिया उधर शुभम जी ने, टकराते नहीं है वो तो मेरे सम्मान्य साथी, में टकराने जैसा कोई भी, उधर जवाब आ गया। मैं नई चीज आपसे लेता हूँ, देखिये मैनपुरी में क्या है, इतना एजुकेशन का बिल्कुल, इतने सारे सेंटर्स हैं, बाकी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जब पूछा तो पता चला कि साहब कोई कारखाना नहीं है, लोग नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, वो दिल्ली जाएं, बॉम्बे जाएं, ऐसे अलग अलग जगहों पर, ये चीज रही जा रही है कि नेताजी तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इस इलाके का अपनी तरह से विकास हुआ है, लेकिन वो चाहे सैफई का महोत्सव हो, चाहे गेस्ट हाउस हो, चाहे PGI हो, बाकी चीजें, वो सब अभी इसी 5 साल में दिखती हैं, सड़कें भी आप बता रहे हो इसी 5 साल में दिखती हैं, तो फिर जो नेताजी का दौर रहा, भाजपा के थे ना 12 से 17 के बीच में, जो विकास की बात आप कर रहे हैं अखिलेश के समय पे, सबसे पहला लेकिन उस दौर में जब नेताजी 3-3 बार मुख्यमंत्री हुए, 2 से लेकर के और 7 तक तो सीधे सीधे रहे, उसके पहले गठबंधन की भी सरकारें थी, तो ऐसे में यहाँ पर उस तरह के ना उद्योग धंधे दिखते हैं, ना कारखाने दिखते हैं, लोग भी बाहर चले जाते हैं, फायदा क्या हुआ फिर? नहीं देखिये उसका बहुत स्पष्ट रीजन है, जो बात आप कह रहे हो, समाजवादी पार्टी की जब भी सरकारें नहीं है तो मैनपुरी ही नहीं, ये जितना एरिया है जो समाजवादी गढ़ कहा जाता है, निश्चित रूप से वो समाजवादी गढ़ ही है, और इसको ये भाजपा के साथी झूठे मन से झुठला नहीं सकते, ये ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष में की गई गुंडई से जीते हुए प्रतिनिधि को दिखाकर वो ये नहीं, मैं सवाल पे आ रहा हूँ, मुझे समय दीजिए, मैं सवाल पे आ रहा हूँ।
जब भी सपा सरकारें रही हैं तो जो भी विकास हुआ है, विकास के नाम पर अगर मैनपुरी जनपद में एक ईंट भी लगी है तो समाजवादी पार्टी ने लगाने का कार्य किया है, किसी और दल ने नहीं लगाई है। यह बिल्कुल झूठा आरोप है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, बस स्टैंड हो, जितने भी, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जितने भी विकास कार्य हुए हैं, मतलब अगर मैं आपको गिनाने लग जाऊंगा पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल झूठा आरोप है। मैं निश्चित रूप से स्वास्थ्य पे आऊंगा। कोरोना काल गुजरा है अभी, इससे बड़ा बुरा काल देश में नहीं आया। मैं खुद इस बात का प्रमाण हूं, कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी क्षमता से ऊपर जाके जितना भी कर पाए समाज के अंतिम मदद के लिए वो हम लोगों ने किया। ये पूरा जितने लोग बैठे हैं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप हम लोगों से ना पूछ के यहाँ जितनी ऑडियंस है उनसे ये पूछ लीजिए कि मैनपुरी जनपद में विकास किस व्यक्ति ने कराया। उनके पास एक सवाल और पूछ लीजिए, कोरोना काल में मेरा सवाल ना बताइए। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए ऐसा है कि फिर चर्चा मैं सवाल तो अपने पूछूंगा ही आपसे। जब वैक्सीन आई, अखिलेश यादव का स्पष्ट बयान था कि समाजवादी वैक्सीन 2022 में आएगी तो लगेंगे। नेताजी की फोटो वायरल हुई, नेताजी ने हम पत्रकारों से कहा था कि यह फोटो वायरल करिए और यह गैर जिम्मेदाराना राजनीति हो गई है, लोगों के जीवन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, वो फोटो वायरल हुई। आप बताइए इसकी बात कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी, क्यों कहा फिर अखिलेश यादव ने? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो जो सर्टिफिकेट देते हैं उस पर मोदी जी की तस्वीर लगा रहे हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं कभी वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उनका ये कहना था कि जब समाज के हर तबके को, हर अंतिम व्यक्ति को वैक्सीन लग जाएगी तो मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद समाजवादी वैक्सीन लगवाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। नहीं, उनका ये कहना था बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन जितने लोग हैं सब लगवाएं और जब आखिरी व्यक्ति बचेगा तो मैं लगवाऊंगा वैक्सीन। आप ये ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। आप ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री जो मौजूदा सरकार के हैं, आप विधानसभा की या फिर विधान परिषद की कार्रवाई पे पटल पे देख लीजिएगा, उन्होंने ये जब उनसे सवाल पूछा गया कि कोरोना से उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन से कितनी मृत्यु हुई है, तो उनका स्पष्ट जवाब था कि ऑक्सीजन की कमी से पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। इस झूठ को कहां तक मैं एक जायज सवाल लेता हूं। देखिए, ऑक्सीजन की कमी होगी ये तो हमें से किसी को नहीं पता था, या पता था किसी को? जनता बताए, पता था किसी को? नहीं पता था। फर्ज करो कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर हैं, मैं एक बात कहता हूं, नहीं इसका जवाब मैं इधर से लूंगा, आप बताइए। फर्ज कीजिए कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर होते, रातों रात ऑक्सीजन कहां से आती, कोई भी सरकार होती, क्योंकि मौतों को भुनाया जा रहा है, इससे तकलीफ। आपने 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 बिल्कुल जायज सवाल पूछा है। ऑक्सीजन की कोलैप्स हुई ये मैं मान सकता हूं कि ये नेचुरल था, लेकिन क्या जो ब्लैक मार्केटिंग हुई, जो एक एक इंजेक्शन के लिए लोग रोए हैं, जो एक एक दवाई के लिए महिलाएं हमारी आंसुओं से रोई हैं, क्या उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या जो अव्यवस्थाएं हॉस्पिटल में हुई, क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो 10 लाशें हमारी आंखों के सामने से गुजरी उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या जो अव्यवस्थाएं प्रदेश में हुई उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आपने 100 शैया का अस्पताल बनवाया लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, कौन कह रहा है 100? बिल्कुल बताइए, आइए। उद्घाटन हुआ 100 शैया का, तब से तो भाजपा सरकार है। 5 साल में मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टरों की नियुक्ति क्यों नहीं है? अब इसका जवाब ले लेते हैं, बताइए। कई 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 क्वेश्चन हो गए हैं। सबसे पहले जो हमारे साथी किशन, कितने सुनिए जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए, कहो काफी देर से आप कर रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी हमारे किशन द्विवेदी पशुपागे जो है ना, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ईंट भी लगाई है तो समाजवादी पार्टी ने लगाई है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी लगातार हमारे ख्याल से 32 सालों से यहाँ सांसद हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। एक उद्योग बता दें यहाँ से लेके पूरी मैनपुरी जिला में एक उद्योग उन्होंने लगाया हो, एक ईंट की बात करते हैं, अगर उन्होंने ईंट लगाई है तो उद्योग कहाँ लगाया? ठीक है, दूसरी बात, वैक्सीन की बात जब आई आपके पास, आज ही मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था ये समाजवादी पार्टी की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे। जब हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने वैक्सीन लगाई और जब वो वायरल हुई, जितने भी लोग हमारे साथी बैठे हुए हैं आज सभी वैक्सीन लगवा चुके हैं। अगर ये लोग कहते हैं भाजपा नहीं प्रदेश की लाई, तो समाजवादी पार्टी के आदरणीय मुखिया जो 12 से 17 रहे हैं, वो एक बता दें कि कौन सा रोजगार, कौन सा कारखाना, कौन सा कल कारखाना आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगवा दिया था जिससे कि रोजगार मिला। चलिए ठीक है, हम इस चर्चा को यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे और ब्रेक के बाद हम चर्चा जनता की तरफ से शुरू करेंगे। मैनपुरी की जनता हमें यह बताएगी कि उसके क्या मुद्दे हैं, क्या सवाल हैं और किस तरीके से इस चुनाव में वो अपने मन को बना रही है ताकि आगे की स्थितियां, आगे की राह यहां से खुले। एक छोटे से ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वोट यूथ। आज हम हैं मैनपुरी में, जहां की करहर विधानसभा से खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। हमने एक दौर में यहां प्रतिनिधियों से समझा कि आखिर जनता उन्हें क्यों चुने, किस तरीके के वादे थे, इरादे थे, वो खूब टकराए आपस में। अब हम जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उसके मुद्दे क्या हैं, उसकी तकलीफें क्या हैं। आप बताइए कि क्या मसला है मैनपुरी में, मुद्दा क्या है? मैनपुरी का मसला लिया जाए या प्रदेश का मसला लिया जाए, हर जगह ये फेल हो चुकी है। ये जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को बताते हैं, समस्या है बिल्कुल है। बताइए, शिक्षा, रोजगार, किसान की आय, इन्होंने हर जगह झूम, इन्होंने सरकार को पंगु बना दिया है। आप तेल देते हैं, नमक देते हैं, इससे क्या करना आप चाहते हैं? आपने जो पंगु बना दिया, रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, वो बिल्कुल इन्होंने ना समझी वाले काम किए हैं। इनका कोई बिना विजन के ये लगे हुए हैं। ठीक ठीक ठाक, हमने बात समझी। आप बताइए क्या है मसला मैनपुरी का? अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे, आप तो खुद ही नेता हो गए, आप अपनी बात रखिए ना। मैं वही तो बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, सुन लीजिए मुझे भी। अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर के, जब हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि का जब चीरहरण हो रहा था, तब भाजपा अपने आप को बड़ा हिंदू का ठेकेदार बनती घूमती पूरे देश और प्रदेश में, तब इन भाजपा वालों का कहाँ हिंदू प्रेम मर गया था, जो उसका रात के अंधेरे में एक हमारी बहन का जो है बगैर हिंदू रीति रिवाज के जो अंतिम संस्कार कराया गया है, और ये कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं लगातार तीन दिन तक। उसके हिसाब से कानून व्यवस्था एक मसला है मैनपुरी में? ठीक 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 ठीक, आप बताइए। नहीं, मैं तो जनता की राय ले रहा हूँ ना, मैं तो कंडक्ट कर रहा हूँ। अब मैं भी बात सुन रहा था ऑक्सीजन को लेकर। कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी हमको। जब फर्स्ट वेव आया था तो सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी, दुनिया के और देशों से भी देखना चाहिए था। और मैनपुरी का प्रश्न है, यहाँ के लोगों ने वोट दिया, एक सीट भी दी भोगांव विधानसभा, पूरे आगरा मंडल रीजन में। मैं सरकार के प्रतिनिधि से पूछना चाहूंगा कि इस पूरे आगरा मंडल के रीजन में डबल इंजन की सरकार ने कौन सा कल कारखाना बनाया जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिला? ठीक, इन 5 सालों में ये एक दिलचस्प चीज है। मैं, आप देखिए, ये मैनपुरी गढ़ अगर समाजवादी पार्टी का कहा जाता है, मैं अभी एक सवाल पलटता हूँ भैया, ये बताओ कि समाजवादी पार्टी वालों से कोई सवाल है या वो आएंगे तो सब ठीक ही हो जाएगा? समाजवादी जब आएगी तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। इन्होंने सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी हैं, और जितना बेरोजगार युवा घूम रहा है, जितनी परीक्षाएं होती हैं सारी परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, कोई भी परीक्षा तो मतलब रिस्पॉन्स। समाजवादी पार्टी सबको रोजगार दे देगी? समाजवादी पार्टी आएगी तो बहुत अच्छा रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ कारखाना तो है नहीं पिछले कोई भी? यहाँ बहुत रोजगार रहेंगे, जरूरी है कारखाना ही हो तभी रोजगार मिलेगा। रोजगार होगा, अरे अपना धंधा चलाओ, अपने धंधे के लिए भी तो व्यवस्थाएं हैं। अब जब धंधा हम इधर से भी समझते हैं। हाँ बताइए, आप कह रहे हैं मैनपुरी में कारखाना नहीं है। मैनपुरी में एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे करहल से निकला हुआ है, जहाँ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ सैनिक स्कूल है, इंजीनियर कॉलेज है, यहाँ पढ़ने के सैनिक स्कूल बहुत कम जिलों में होगा। मैनपुरी ये सौभाग्यशाली है क्योंकि नेताजी की कर्म भूमि है, माननीय सांसद जी से यहाँ के विधायक हैं सदर, उन्होंने सैनिक स्कूल, इंजीनियर कॉलेज से लेके तो दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बेरोजगारी का मसला आया, महंगाई का मसला आया, तो समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो ये मसले होंगे या नहीं होंगे, सब खत्म हो जाएगा? नहीं, मसले खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 300 यूनिट बिजली अखिलेश यादव जी ने मुफ्त के लिए लिया। और आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार और पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार के लिए वादा किया है। जो सरकारी जो चाहे रोडवेज में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे पुलिस में हो, और इन लोगों ने तो रोजगार दिया नहीं। चलो ठीक है, ये और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताओ भाई, मेरा बैठ के बताओ। मेरा सवाल है भाजपा से। हाँ, भाजपा वाले कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सही है। आगरा में अरुण वाल्मीकि थाने में, उधर एक ही बात को कितनी बार बताओगे? हाथरस का हुआ, आगरा में अरुण वाल्मीकि को थाने में कस्टडी में उस पुलिस वालों ने ही उन्हें मार दिया, लेकिन हाथरस में जो हत्यारे थे उन्हें क्यों नहीं मारा गया? एक दिलचस्प चीज है, मैनपुरी की जनता का मैं साधुवाद करता हूं। बताओ रैंकर, एजुकेशन का हब होने के बाद भी, अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था मैंने 2 बच्चों को रोका, उनसे कुछ सवाल जवाब किए, वो उनको नहीं पता था। ये आप लोगों के लिए भी बड़ा दिलचस्प है और बाकी प्रदेश के लिए भी, लेकिन उससे मैंने पूछा कि ये कौन सी विधानसभा, उसने बताया, हमने कहा यहाँ क्या इक्वेशन है, वो भाई साहब उसने ऐसे बताया कि बड़े बड़े पंडित क्या बताएंगे। छोटा छोटा बच्चा राजनीति के लिहाज से मैनपुरी में बड़ा जागरूक है, बहुत जागरूक है, वो पूरी पूरी इक्वेशन बता देगा।
लेकिन आप उससे कोई जब मतलब का सवाल करेंगे, मतलब एजुकेशन के एंड पे सवाल करेंगे, तो कई बार वो फंस जाएगा। ये दिलचस्प, ये राजनीतिक जागरूकता है मैनपुरी की, इसके लिए मैनपुरी की जनता का और नेताजी का भी, भाई जाहिर सी बात है उनका क्षेत्र है, तो जिस तरह से भी उन्होंने यहाँ पर एक अपना अलग जगाई है। आप बताओ भाई क्या करते हो? मेरा सवाल थोड़ा लीक सवाल नहीं, मैंने पूछा आप करते क्या हो? मैं पढ़ाई करता हूँ, बीए। बीए कर रहे हो? क्या सोचा है बीए करने के बाद क्या करोगे? बीए के बाद एलएलबी। एलएलबी करोगे? फिर क्या करोगे? उसके बाद वकालत करेंगे, लॉयर बनूंगा। अच्छा, मेरा सवाल इन लोगों से? नहीं नहीं, सवाल छोड़ो, मैं पहले सुनो यार, मैनपुरी के ही हो ना? हाँ, बिल्कुल, मेरी भी सुन लो यार। हाँ, आप सुनाइए। तो ये बताओ कि वकालत करने लगोगे तो वकालत करने के लिए जो स्थिति है यहाँ पे, अभी बता रहे थे कि ये नकल मार मार करके सब पास हो जाते हैं। अबकी बार तो हमने जब 12th की है तब पेपर ही नहीं हुए, मतलब पेपर ही नहीं हुए, तब क्या वकालत करोगे यार? पढ़ाई तो की है ना हमने, पढ़ाई की है। हाँ, बिल्कुल। नौकरी है। भी चाहिए होगी मान लो? हाँ, बिल्कुल नहीं, वकालत में सरकारी नौकरी होती है लेकिन हम प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जुगाड़ है पूरा? जुगाड़ उसमें नहीं चलता है। अच्छा। आपको लॉ करने के बाद बार एसोसिएशन, ये ना इम्तिहान दिए पास हो गए, डिग्री के कैसे क्या करोगे फिर? अरे तैयारी है ना मेरी, तैयारी। हाँ, ये कॉन्फिडेंस है, ये मैन। मैं सुनो तो, मैं पहली बार का मतदाता हूँ। हाँ, मैं भाजपा से ये जानना चाहता हूँ युवाओं के लिए ये 5 काम बताए मैं इन्हें वोट क्यों दूँ। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सपा के कार्यकाल में तो मैं 13 साल का था। हाँ। तब तो मैंने कार्यकाल देखा नहीं, बच्चा था। अब मैं मतदान करने लायक हुआ हूँ, मैंने भाजपा का कार्यकाल देखा। इनसे पूछिए 5 काम जो युवाओं के लिए करेंगे, क्यों वोट करें, सबसे पता करिए। अभी जब मैं बोल रहा था तब मैं सवाल ले रहा था वहाँ पे, तो हल्ला होने लगा। ये मतलब राजनीतिक जागरूकता, युवाओं को बताएं तो 5 तो ठीक है। अब इधर आते हैं भाई, आपको भाई हटो पहले, बुजुर्ग साहब आइए, आइए दादा, आ गया, थोड़ा मफलर हटाओ, कोविड है। कोई बात नहीं, आप बताओ दादा क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम शेरबाज मिश्रा है, एक मठ के पुजारी है। अच्छा दादा, ये बताइए कि मैनपुरी में आपकी तो उम्र हो गई, यहाँ पे बहुत कुछ देखा होगा आपने, क्या देखने की तमन्ना है, क्या होना चाहिए यहाँ? यहाँ भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा, हम ये जानते हैं। अच्छा, कौन से वाले भगवान? यही परम पिता परमात्मा। नहीं, वो असल में इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो अखिलेश जी बता रहे थे कि उनके कृष्ण जी आ रहे हैं सपने में, उधर वहाँ रोज सपने में आते हैं, वो जा रहे हैं। हाँ, वो हमसे भी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, यहाँ ये हमारे ये हिंदू धर्म के लोग जो है ये बड़ा बवाली है। अच्छा, उधम मचाते हैं, कहते हैं कि हमारे सपने में भगवान आके ये कह गए, हमारे सपने में ये कह गए, पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। भगवान किसी के सपने में ऐसा नहीं है, आता है तो वो उसको बढ़िया बात बताता है। हाँ हाँ, कभी उल्टा सीधा नहीं। आपके लिहाज से क्या होना चाहिए मैनपुरी में? मतलब ठीक है, सरकारें तो आती और जाती हैं। हाँ। बहुत देखा होगा आपने, बहुत पानी बह गया, अभी क्या कम है यहाँ पे, इनको आप क्या कहेंगे? नौजवान है, अपनी अपनी पार्टी के समर्थन में बातें कह रहे हैं, कुछ समझाएंगे इन्हें? हमारे ये सब नौजवान है, सब साहसी है, राजनीति में भी बहुत आगे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने को पहचानने में थोड़ी कोशिश गलती कर देते हैं। बात समझिए, बड़ी बारीक बात कही है, ये जनता के लिए भी है कि हमें अपने को पहचानना होगा। भगवान तो हम सबके अंदर हैं, इस बात को समझिए। मैं उधर आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, उधर भी एक सवाल इधर से लेंगे फिर उधर आएंगे। हाँ भाई बताइए, क्या मसला? अपने संजय चौहान जी से ये पूछना चाहूंगा, जब मैं संजय चौहान जी, हाँ, क्योंकि जब मैंने अनुष्का पांडे बहन का मामला पूछा तो ये तिलमिला क्यों गई? चलो ठीक है, ये एक दिलचस्प चीज है कि एक ही चीज को, जिस चीज को पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं है, है ना? तो ये अच्छा, आप बताइए, आप रह गए। हाँ शेखर जी, आपने शुरुआत में ही कहा कि समाजवादियों का गढ़ है मैनपुरी। हाँ। ये गढ़ नहीं, मैनपुरी घर है समाजवादियों का। ठीक है, समाजवादी यहीं से चलती है, मैनपुरी से ही। ठीक है, और मुख्यमंत्री जी ने जो सांड निलवा रखे हैं उससे किसान परेशान है। हाँ। और जो 300 यूनिट बिजली घरेलू मिलेगी, किसानों को सिंचाई मुफ्त, 2600 रुपये प्रति ट्यूबवेल बिल आ रहा है, एक किसान को 2600 रुपये प्रति महीना की फायदा होगी समाजवादी पार्टी से। ठीक है, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक कौन है आप में? सबसे बड़ा दिखाओ भाई, ठीक है। ये मैंने इसीलिए, देखिए ये क्या होता है, आप सियासी लोगों के साथ में रहते हैं तो गेहूं के साथ बथुए को भी पानी लग जाता है। अभी मैं पूछ रहा था कि ये जनता समाजवादी पार्टी, तो ये सारे हाथ उठ गए, अब समाजवादी पार्टी के लोग हमें ये बताएं, नहीं सवाल नहीं,
अब मेरा सवाल होगा जनता से, क्योंकि मैं नेताजी को बहुत मानता हूं। मैनपुरी की जनता ये मुझे बताइए, स्पष्ट शब्दों में बताइए कि समाजवाद है क्या? समाजवाद वो है जो नेताजी ने, यहाँ सब लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ ना कोई मतलब आतंकवाद है, ये बीजेपी के लोग केवल हिंदू और मुस्लिम की राजनीति, बीजेपी की बात ही नहीं की मैंने। भाई समाजवाद ना ना, नंबर कट गया ना। समाजवाद क्या है बताओ भाई, क्या है समाजवाद? समाजवाद है सबको साथ लेकर चलने का, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, सबको साथ लेकर, यही समाजवाद है। आप बताओ भाई और क्या है समाजवाद? समाजवाद वो चीज है सबको लेके चले, समाजवाद से ही समाजवादी पार्टी बनी है। विकास की गंगा बहाओ, अखिलेश भैया लाओ, यूपी बचाओ। ठीक है इस, हाँ मेरा कहना केवल यही है, मेरा सभी से कहना है कि जातवाद मिटाओ, अखिलेश भैया लाओ। मैंने अपनी बात सुन ली, अब मैं हमारे सहयोगी हैं, नहीं नहीं वो ठीक है, मेरे सहयोगी प्रमोद जी आप इधर आइए भाई। ठीक है, मैंने इसलिए ये बात रखी कि 2012 से 17 के बीच में जब नेताजी मतलब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, नेताजी बार बार हर कार्यक्रम में कहते थे कि समाजवाद क्या है, लोहिया जी के विचार क्या है, उसको पढ़ा जाए, समाजवाद को लोग समझें। प्रमोद झा जी हमारे सहयोगी हैं, मैनपुरी में लगातार स्टोरीज कवर करते हैं, मैनपुरी को समझते हैं। यहाँ पे हमने हाथ उठवाया तो लोगों ने ज़्यादातर बता दिया कि वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। ये मैनपुरी ज़िला जहाँ से करहल से लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से वोटर के लिहाज से देखें तो वहाँ पर सबसे यादव बहुल इलाका है जी। और बाकी जनसंख्या ऐसी है कि वो आधी भी नहीं रह जाती है, वो दो तिहाई बहुमत उधर ही से निकल जाता है यादव में। तो ये सेफर सीट मतलब ये चुनाव क्या वास्तव में उस तरह से फंसा है या कोई और वजह है जिसकी वजह से करहल को चुना? एक्चुअली करहल उनके बिल्कुल जो सैफई के रहने वाले हैं वो, और चूंकि करहल काफ़ी पास में आता है, विधानसभा की सीट भी है, और उनको कहीं ना कहीं अपने पिता की, जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारे पिता की जो है कर्म भूमि रही है मैनपुरी, और मैं भी मैनपुरी से ही अपनी ये स्टार्ट कर सकता हूँ राजनीति, विधानसभा का पहला उनका चुनाव है, तो इसलिए उन्होंने करहल की विधानसभा चुना। और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा सबसे बड़ी है मैनपुरी की विधानसभा, उसमें यादव बहुमूल्य वोट जो है ज़्यादा है, और उनको भी ठीक है। प्रमोद जी कानून व्यवस्था और चिकित्सा शिक्षा ये हर पार्टी हर दौर में कई बार सवाल उसी तरीके के होते हैं, आपको क्या लगता है एज ए पत्रकार कि यहाँ मैनपुरी का असल मसला है क्या, क्या होना चाहिए असल मसला? असल मसला ये है कि यहाँ के युवाओं को सोचना चाहिए कि मुझे राजनीति में या राजनीति के लोगों से जो भी नेता हैं उनसे क्या डिमांड करनी चाहिए। हमें यहाँ उद्योग की ज़रूरत है जो कि हमारे मैनपुरी में अभी तक नहीं है। यहाँ के युवा जो है दिल्ली में ज़्यादातर जाते हैं काम करते हैं, और यहाँ कोई ऐसा उद्योग नहीं है मैनपुरी के अंदर जिसमें यहाँ के 1,000-2,000-10-2-4 लाख युवा जो है उसमें लगे या काम कर सके। ऐसी कोई फैक्ट्री बड़ी डालनी चाहिए, किसी भी नेता ने ये अभी तक नहीं सोचा है। काफ़ी दिनों से यहाँ के युवाओं की डिमांड है कि मैनपुरी के अंदर कोई ऐसी कोई फैक्ट्री बनाई जाए या ऐसा कोई उद्योग धंधा डाला जाए जो यहाँ के युवा को बाहर रह जाना पड़े। ज़्यादातर लोग बाहर ही नौकरी करते हैं, दिल्ली है, ग्वालियर और ये नोएडा है, वहाँ पे ज़्यादा जाना पड़ता है इन लोगों को। ठीक है, एक चीज़ बताइए भाई कि अगर यहाँ मैनपुरी में कुछ उद्योग लगते हैं, कारखाने लगते हैं, तो कितने युवा ऐसे हैं जो वहाँ जा करके काम करना पसंद करेंगे मैनपुरी के? मैनपुरी में ये सवाल मैंने जान करके लिया, क्योंकि एक फीडबैक मैनपुरी में ये भी मिला कि जो लोग यहाँ पर हैं वो चूंकि शिक्षा उनके पास डिग्री है जैसा जिक्र भी आया, और राजनीतिक रूप से वो काफ़ी जागरूक भी हैं, लेकिन इससे आगे की जो बात है कि उन्हें अपने ज़िले में कहीं जा करके नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। वो दिल्ली में जा करके वो काम कर लेंगे, वो बॉम्बे में जा करके वो काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ मैनपुरी में ना तो विकल्प है, और अगर विकल्प हो तो भी वो उस तरीके की स्थितियों में अपने आप को ढालने में थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। ये जो स्थिति है किशन जी, अब बहुत सारा पानी बह गया है, मेरे ख्याल से आपस में टकराने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि लोगों को उम्मीदें बहुत हैं, आप समाजवादी पार्टी और चूंकि आप प्रसपा एक ही है,
तो क्या आपको लगता है कि जो बातें इनकी तरफ से आई हैं, बड़े भरोसे से आपकी तरफ देख रहे हैं, तो इस भरोसे में केवल वादा कर देना और वादे के ऊपर उस तरह से, या फिर इन्हीं लोगों की फरमाइशें पूरी करना, बाकी आपके 70 जिले? त्रिवेदी जी, आपके सवाल में आपका जवाब छुपा है। आप जितने, इतनी ये सम्मानित जनता बैठी है, जितने युवाओं से आपने सवाल किया है, क्या उन्होंने ये समाजवादी पार्टी पे नहीं दिखाया? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे किए? क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि जितना भी विकास कराया गया वो समाजवादी पार्टी द्वारा कराया गया? क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि वे समाजवादी पार्टी से ही आशा रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कोई आशा नहीं है? तो आपके सवाल का तो जवाब खुद छुपा है, आप एक एक व्यक्ति से पूछ लीजिए। और यहां नहीं, इस डिबेट के अलावा आप मैनपुरी सरजमी की बाजार में चले जाइए, आप सड़कों पर चले जाइए, लोग आपको खुद ब खुद जवाब दे देंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में ही यहां कार्य हुए हैं, प्रोग्रेस हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे, झूठे इरादे, झूठी बातें, इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी की जनता को ना कुछ दिया है और ना ही हमें इनसे कोई उम्मीद है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, मैं पूरा समय आपको दूंगा। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा अरविंद जी कि जिस बात को अभी जनता के द्वारा आपने भी सुना है, एक उम्मीद होती है, लेकिन फिर आरोप ये भी आता है कि जो कुछ भी है वो कुछ जिलों के लिए वीवीआईपी जिले हो जाते हैं वगैरह वगैरह, या एम्बिशियस होने की वजह से वो दरअसल जिस हालत में है उस जगह से अपने आप को मान लेती कि नहीं अखिलेश आ गए तो ठीक है, हम समाजवादी पार्टी के हैं। अपनी 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 जो एक चीज होनी चाहिए, जैसा एक बुजुर्ग ने कहा भी कि अपने को पहचानो, उस चीज का यहाँ पे कम मामला दिखता है। सबसे बढ़िया बात तो जिन बुजुर्ग की बात आप कर रहे हैं उनकी आती है कि अपने को पहचानो। तो जो भीड़ आपको दिखी, आपने बताया समाजवादी पार्टी से उम्मीद कर रही है, मैं इसमें कहना चाहता हूँ ठीक है पिछले 5 सालों में भाजपा ने रोजगार नहीं दिया, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उससे पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी ने कौन सा रोजगार दिया है उत्तर प्रदेश में, सिवाय यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ के नकल से पढ़ के पास हो लें और उसके बाद वो फिर अपने नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाएं, इसके बाद अलावा समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं दिया है। हालांकि यहाँ बसपा के मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उससे पहले के 5 साल की बात भी करता हूँ, बसपा ने भी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं दिया। और फिर पिछले 15 साल में चले जाइए तो इन तीनों लोगों ने आपस में मिल मिल के सत्ताएं बनाई 3 बार, इन्हीं पिछले 32 साल से कुछ नहीं दिया। अब रही बात आती जो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, तो मैं पूछता हूं यहां कितने ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता देखी है? मेरी समझ में 10% लोग भी नहीं होंगे वोटर बनने के बाद। और नहीं नहीं, वो तुम्हारे पिताजी भी पैदा होके निकल गए होंगे, उससे पहले की बात है, मेरे से भी पहले की बात है। वो केंद्र सरकार का निर्णय था, मैं बात उत्तर प्रदेश शासन पर कर रहा हूं, उस सत्ता में आने की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के अब तक, आप पत्रकारिता में हैं, आप पर बहुत पिछले डाटा होंगे, जितने वादे कांग्रेस सत्ता ने पूरे किए हैं कभी भी, किसानों के ऋण माफी की बात अगर ली जाए तो सबसे पहले कांग्रेस ने शुरुआत की थी और उसने एक सूत्रीय तरीके से सारे किसानों के सारे ऋण माफ किए थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी उसकी नकल की, लेकिन उन्होंने एक प्रतिबंध लगाया था केवल भूमि विकास बैंक के ऋण माफ होंगे। उसके बाद हमारे भाजपा सत्ता ने भी इसकी नकल की, लेकिन उन्होंने उस पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए कि केवल 25 बीघा तक का किसान होना चाहिए और 1 लाख का ऋण माफ करेंगे। तो इस तरीके से हम केवल ये सब भ्रमित करते हैं। प्रशासन की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से समाजवादी पार्टी भी फेल रही है, क्योंकि वो भी सारे लोगों को दिखाई दे रहा है, और भाजपा सत्ता भी फेल है उसमें, वो भी सारे तरफ। तो कांग्रेस की तरफ से अपने दौर को याद किया गया। वैसे चूंकि मैनपुरी में, भाई ये एक सवाल जीके का जनता के लिए है, कोई बता सकता है कि कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में लास्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? क्योंकि एजुकेशन हब है ये, उस तरीके से भाई एक एक विधानसभा में एनडी तिवारी। अच्छा, ये देखिए लोगों को ये बात याद है, एनडी तिवारी साहब का अगर ये याद है तो उनके कामकाज भी याद होंगे। जो बात थी अरविंद जी जो कहना चाह रहे थे, उस चीज को मैंने इसीलिए रखा, लोगों को है थोड़ा पता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैनपुरी की जनता जिनके बीच में आप हैं हल्के मिले। शुभम जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए आरोप आपकी सरकार पर यूं लगे हैं कि पिछले 30-32 साल की जो राजनीति रही है, अगर ये कहा जाता है कि कुछ जिलों को ही बिजली दी जाती थी, या आपने बताया कि अखिलेश के दौर में ही यहां पर सारी सड़कें और बाकी चीजें बनी, तो जाहिर सी बात है कि काफी काम हुआ होगा अखिलेश यादव के दौर में, तो बाकी के जो 60-70 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, आपकी सरकार बनती है तो फिर अगर सब कुछ यहीं आ जाएगा तो
तो उधर क्या जाएगा, फिर बात तो वहीं घूम के आ जाती है जो आरोप विपक्ष लगाता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के साथी की बात का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि सवाल उठा तो जवाब बहुत जायज है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, सपा ने कुछ नहीं किया, बसपा ने कुछ नहीं किया, उससे 15 साल किसी ने कुछ नहीं किया। यदि 30 सालों में किसी ने कुछ नहीं किया है तो आप मैनपुरी की जनता की जो नॉलेज है उसको संदेह के घेरे से क्यों देख रहे हैं? आपको मौका क्यों नहीं दिया? हाशिए पे है लेकिन ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं और भी किसी ने काम किया है, तो अपना दिल बड़ा रखें और आगे काम करें, पहली चीज। दूसरा, आपने जब आप जनता के बीच गए थे ब्रेक से पहले, उससे पहले आपने उद्योग का सवाल उठाया था कि उद्योग क्यों नहीं लगा, तो क्या आप बताइए जहां पहले सड़कें नहीं थी, जहां कच्ची गलियां थी, जहां भराव में मिट्टी नहीं थी, लोग दड़े में चलते थे, हमारे क्षेत्र की भाषा में, वहां पहले सड़कें बनवाते कि पहले वहां फैक्ट्री लगवा देते? मैं जवाब दे रहा हूं। अरे सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है। सबसे पहले गली खड़ंजे बने, फिर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट टू लेन से जोड़ा, फिर जब अखिलेश जी आए तो फोर लेन से जोड़ा गया, करैल में एक्सप्रेस वे निकला, आप जाके देख लीजिए भाई, काम तो सीढ़ी दर सीढ़ी होगा ना, कि सबसे पहले एक्सप्रेस वे बना दीजिए। अब एक्सप्रेस वे पहुंचेंगे कैसे, उसकी क्या सड़क नहीं बनाई जाएगी? सड़क दूसरी चीज, आप कह रहे थे उद्योग, भाई ये क्या नाम, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है इसके किनारे मैनपुरी में मंडी थी, प्रस्तावित मंडी, बगल में हवाई पट्टी बन जाती है, आप दो लेन की सड़क के लिए परेशान थे। हम नहीं परेशान थे, सैफई में भी तो पट्टी 12 से 17 में बनी, पहले कहां बन गई आप बताइए। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते 50 कारखाने लगाए, आप पूछ लीजिए कहाँ लगाए, फिर ये बात क्यों भटक रहे हैं। दूसरा, जनता जनार्दन से मेरा यही कहना है कि भाई आप सिर्फ मेरी बात ना सुने, आप मार्केट में जाएं सर्वे करें। अब आपका सवाल क्या था जी, बताएं। मैं आपसे ये कह रहा था कि जब विकास की बात आती है और खासतौर से समाजवादी पार्टी की जब सरकार रहती है तो ये कहा जाता है कुछ जिलों का विकास होता है, बाकी अच्छे रहते हैं। आगे मुझे याद, देखिए अगर आप लखनऊ की बात करें, प्रदेश की राजधानी है, समाजवादी गढ़ तो नहीं है वहां पे, क्या नाम, इकाना स्टेडियम समाजवादी पार्टी ने 12-17 कार्यकाल में बनवाया, आईटी सेल और क्या नाम वो सॉरी डायल 100 का वहां पे, 10-90 का वहां पे मिला, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री वहां पे लगी, अमूल प्लांट वहां पे लगा। और जो आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी में विकास होता, अच्छा ये बताइए एक्सप्रेस वे सिर्फ मैनपुरी से घूम के मैनपुरी में खत्म हो जाता है क्या? उससे आगरा टच नहीं है, फिरोजाबाद टच नहीं है, इटावा टच नहीं है, कन्नौज टच नहीं है, लखनऊ टच नहीं है, क्या टच नहीं है बताइए? अच्छा, और आप कोई भी चीज उठा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि भाई उद्योग नहीं है, उद्योग नहीं है। मैं वादा करता हूं हम सड़कों पे काम कर चुके हैं, सरकार आप बनवाइए, मेरा जनता जनार्दन से विनम्र आग्रह है, आप सरकार बनाइए, उद्योग भी लगेगा, चीनी मिल भी लगेगा। अब वापस हम भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं और समझते हैं कि बहुत सारे जो आरोप प्रत्यारोप लगे, ये भी बात सही है कि यहाँ पर जो ज्यादातर जनता मौजूद है उसमें बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने खुद हाथ उठाया है, इसमें मुझे अब दोबारा क्रॉस चेक की जरूरत नहीं है। तो ऐसा होता है, मैं आपसे ये समझूंगा कि जो आरोप लगे हैं, जिस तरीके की बातें हैं, इनके बीच में आप रास्ता कैसे निकालेंगे? ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि साहब हम अपने समर्थकों के साथ नहीं आए तो हमारी बात को दबा दिया गया। देखिए चुनाव है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात कोई नहीं दबा सकता है, मैं आपने खुद ही प्रूव कर लिया। मैं कहता उससे पहले कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं उनसे ताल्लुक नहीं रखता हूँ। हमारी बात यह है कि अगर आप विकास की बात करते हैं, आप मैनपुरी में कहेंगे कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, मैंने सैनिक स्कूल बनवाया, मैंने लोहिया पार्क बनवाया, मैं ये कह रहा हूँ फिर 3 बार आदरणीय मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है, पास में ही फरकाबाद है, एटा है, फिरोजाबाद है। हमारे साथी अगर बता दें कि जो यहाँ की बात कर रहे हो ना, सैनिक स्कूल फिर आप क्या नाम एटा में ही बनवा देते, फरकाबाद में ही बना देते। आपने भेदभाव का रवैया अपनाया अपनी सरकार में, जो भी आपकी सरकार रही, 32 साल से आप सांसद हैं, सांसद निधि मिलती है, सरकार केंद्र सरकार में आप प्रस्ताव भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल इनके जो बात बार बार हमारे साथी किशन दुबे जी कहते हैं कि एक ईंट भी लगवाई है, तो अगर एक ईंट लगवाई है, इससे पहले जो मायावती सरकार थी या कांग्रेस सरकार रही, काम तो सभी करते हैं। भाजपा का पैटर्न अलग है, भाजपा जब लाइट भी देती है ना तो पूरे प्रदेश में देती है, न कि केवल चिन्हित 3 जिलों में। पहले लाइट आती थी, मैनपुरी का भाग्य था कि वो मैनपुरी मिलती थी, इटावा मिलती थी और कन्नौज मिलती थी, आज पूरे प्रदेश को लाइट मिल रही है। रही बात जो हमारे साथी हमारे, चूँकि वो वैसे भतीजे लगते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि भले छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, आज मूंगफली का प्लांट मैनपुरी में, पहले धान का प्लांट हुआ करते थे, जब धान की खपत नहीं हो पाई प्रॉपर ढंग से, यहाँ पर पैदावार कम हो गई, आज मूँगफली के प्लांट प्रॉपर ढंग से चल रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ बिना जात पात बिना किसी भेदभाव के जो भी मूंगफली प्लांट के ऑनर हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मैंने फिर कहा हम धीरे चल रहे हैं, माने अगर जैसे मैंने कहा ये बताते हैं जैसे एक्सप्रेस वे, ठीक है
उससे पहले मायावती जी ने एक्सप्रेस वे बनाया था लखनऊ टू नोएडा, अखिलेश जी ने आगरा से लखनऊ बना दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि योगी सरकार में 5-5 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को दे चुकी है। सबसे अगर आप बड़ा दिल रखते हैं ना, मैं तो खुद कहता हूँ हमारे मैनपुरी का नाम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से है, यहाँ से सांसद हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी या प्रसपा के प्रवक्ता में हिम्मत नहीं है ये बात स्वीकारने की कि यार फिर बोल दिया, फिर देखिए इनका जो है ना, फिर इनका इनकी वजह होती। आप मुझे पूरी समझ लो, मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर कोई विकास की बात करता है या किसी की बात करता है, जिसने अच्छा काम किया हो, अगर योगी सरकार ने गुंडागर्दी दूर की है या गुंडा आज नहीं है, तो मैं फिर कह रहा हूँ सम्मानित जनता, मैनपुरी की जो सम्मानित जनता है ना, वो चाहे समाजवादी पार्टी की समर्थक हो या बसपा की समर्थक हो या भाजपा की समर्थक हो, अगर माँ बहन बेटी किसी की चैन स्नेचिंग नहीं हो रही है, अगर गुंडा जो है ना उनको नहीं लूटपाट नहीं हो रहा है, तो एक बात बताइए, तो सभी के लिए है ना, इसको स्वीकारना चाहिए। ठीक है, मैनपुरी की जनता का हमने मन टटोला है, नेताओं से भी बात की। मेरे पास देखिए समय की कमी रहती है, आप नहीं हो पाएगा किशन जी, आप बात समझिए, ये मैं मेरा निवेदन है आपसे, नहीं हो पाएगा। इस बात को समझना पड़ेगा कि देखिए समाजवाद ये भी है कि अगर मैं आपसे निवेदन करूं कि अब मेरे पास वक्त की कमी है, आप इसको वाइंड अप होने दें, तो नेताजी के अनुसार मुझे वाइंड अप करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये चीज है, इसकी शालीनता रहनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैनपुरी राजनीतिक रूप से जितना जागरूक है, शैक्षिक रूप से जितना फैला हुआ है, बेहतर होता कि उन सारी चीजों का सही इस्तेमाल भी आने वाले दौर में हो पाता। लेकिन उसकी उम्मीद यूं टूटती है कि जैसा हमारे एक बुजुर्ग ने कहा कि हमें अपने को पहचानने की जरूरत है। हम राजनीतिक रूप से जागरूक हो सकते हैं, हम किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि मौका भले ये बना दें, ये मौका इनके लिए 5 साल में एक बार आता है किसी भी पार्टी के लिए, जब वो आपका वोट लेकर के चला जाएगा। लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से जो योजनाएं बनती हैं, अगर आप उसका लाभ नहीं उठा पाते, तो 5 साल आप सिर्फ मौका चूकते रहेंगे। वो मौका आपको ये घर बैठे आकर के देने वाले नहीं है। फिर घर छोड़ करके कोई बॉम्बे जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, ये अलग बात है कि एक्सप्रेसवे बन गए हैं, पहले 4 घंटे आपको लगते थे, अब 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आप फिर भी अपने इलाके के विकास से दूर रह जाएंगे, उन्हीं जगहों पर जाएंगे जहां पर जिंदगी जिंदगी की तरह होती नहीं है। तो बेहतर यह है कि आप सरकार किसी की भी चुने, इस वोट युद्ध में किसी की भी चुने, चूंकि एक कैंडिडेट यहां से ऐसा लड़ रहा है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, लिहाजा उम्मीद भी बड़ी होती है, समर्थक भी ज्यादा होते हैं, लेकिन उससे आगे सबसे बड़ी जीत उस जनता की होती है जो उसे चुन करके भेज रही है, एक मौका पैदा करने के लिए ताकि पूरे प्रदेश का विकास हो। मैनपुरी की धरती से वोट युद्ध में आज इतना ही, अगली बार नया शहर नया वोट युद्ध। नमस्कार।